गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार जैन, PhD इन फिजिक्स. आई वेलकम यू ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक. एज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड द मेनी टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियोज दैट दोज यू हैव सीन. वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो अबाउट द कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब्स लॉ. And the mathematical equation of that Coulomb's law comes F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, that is as a whole called proportional constant K, and then Q1 Q2 upon R square. These Q1 Q2 are the charges which are placed at the specific distance R, and this 1 upon 4 pi epsilon naught, that is equal to K, is the property of medium, depends on medium, and where there we have said that this epsilon naught is the permittivity of the vacuum, and the value of this permittivity of vacuum is 8.854 into 10 to the minus 12. That ye apan aapko pehle bata chuke hain. Aaj main jo baat kar raha hu, in today's lecture we are discussing about the permittivity and the dielectric constant. These are the two important factors related with the Coulomb's law, and this dielectric constant is the most important phenomenon. So we are starting with the permittivity. होती क्या है, इसका meaning क्या है, dielectric constant क्या होंगे, उसके अपन बात करने वाले हैं. तो permittivity is what? Permittivity is basically the property of the medium. Property of the medium which affects the value of force and electric field between the charges. यानी कि हम बात करेंगे electric field की आगे. तो यहाँ तो हमने केवल फोर्स की बात की कूलम्ब्स लॉ में. तो जो परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी उस मीडियम की प्रॉपर्टी है, एंड दैट प्रॉपर्टी अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस. यानी चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये किस पे डिपेंड करता है. देखिए, फोर्स डिपेंड कर रहा है एक तो Q1 Q2 पे एंड R पे. बट अगर हम चार्जेस के पेयर को सेम रखें और डिस्टेंस को सेम रखें, बट अगर हम मीडियम को चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर फोर्स की वैल्यू भी चेंज होनी है. तो वो जो फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है मीडियम चेंज करने पर, वो क्यों हो रही है? बिकॉज वी आर चेंजिंग द मीडियम, एंड देन ड्यू टू चेंज इन मीडियम दिस परमिटिविटी विल चेंज. मीन्स दिस परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम. मीन्स परमिटिविटी इज एक्चुअली द मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अप्लाइड थ्रू द मीडियम. यानी कि ये एक ऐसा अपोजिशन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसे आप कूलम्बिक फोर्स कह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं, जो अपने लिखा हुआ है 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R² से, ये परमिटिविटी इस बात का मेजरमेंट करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस मीडियम में कितना अपोज किया जाएगा. यानी कि वो मीडियम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, उस कूलम्बिक फोर्स को कितना अपोज करने वाला है. ये परमिटिविटी की खास बात है. हम बात करेंगे, दिस इज डिनोटेड बाय एप्साइलन. क्या बोलते हैं इसको हम? एप्साइलन बोल रहे हैं, और लिखने का तरीका इस तरह से होगा, एंड दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. बहुत सिंपल केस है. अगर आप कूलम्बिक फोर्स की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जिस भी मीडियम के लिए, क्योंकि अगर यहाँ देखें तो दिस एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. अगर हम इसको यहाँ से देखें तो क्या लिख सकते हैं इस कंडीशन में? द मीडियम विच हैज हाई परमिटिविटी हैज लो फोर्स, लेस फोर्स बिटवीन द चार्जेस. यानी जिस भी मीडियम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, डेफिनेटली उन चार्जेस के बीच में उस मीडियम में फोर्स की वैल्यू लेस होगी, कम होगी. और जिस मीडियम के लिए परमिटिविटी वैल्यू जितनी कम होनी है, उतना ही ज़्यादा फोर्स उन चार्जेस के बीच में लगना है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं कि जो वैक्यूम की परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो अपन ने लिखी है ऑलरेडी, दैट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड वी कैन राइट लाइक दिस, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज 8.854 इंटू 10^-12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. तो ये जो वैल्यू है परमिटिविटी की वैक्यूम के लिए, दिस वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी. सो वी कैन से इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन द वैक्यूम, देन डेफिनेटली
देयर विल बी मैक्सिमम फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अगर हम वैक्यूम में रखते हैं, क्यों? क्योंकि वैक्यूम के लिए इस एप्सिलॉन नॉट की यानी कि परमिटिविटी की वैल्यू सबसे मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकती। जितने भी और अदर मीडियम्स होंगे उन सब के लिए एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा ही वैल्यूज आने वाली है परमिटिविटी की। तो हम कह सकते हैं कि वी फील द मैक्सिमम फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द वैक्यूम, और इफ वी चेंज द मीडियम देन डेफिनेटली फोर्स नाउ बिकम इन द मीडियम, फोर्स बिकम्स 1/4πε. Epsilon is what? Epsilon is the permittivity of the medium. For any medium, we can use this value. And this epsilon is different for different medium. So this is the value of force in the medium. So jitna aap epsilon ki value ko change karenge, utna hi yahan par force ki value mein bhi change aane wala hai. So what is it? Epsilon is permittivity is the property of the medium which affects the force on electric field between the charges. The medium has high permittivity, charges has less force between them and charges feel less electric field. अगर हम बात करेंगे आगे electric field lines की, तो जिस भी medium की permittivity ज़्यादा होती है definitely उस medium में electric field lines बहुत ही कम enter होती हैं, वहाँ तो बहुत ही कम penetrate होती हैं। तो ये पेनिट्रेशन का पावर है, जितना ज़्यादा परमिटिविटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही कम उस मीडियम से पेनिट्रेट करती है, उस मीडियम से पास होती हैं। सो द नेक्स्ट क्वांटिटी इज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। दिस डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज अ मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट विच डिफाइंस द वैल्यू ऑफ फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू द वैक्यूम इन एनी मीडियम। इट मीन्स वी आर कंपेयरिंग द फोर्स इन एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द वैक्यूम, एंड दिस डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट that is mathematical constant is denoted by capital K, and sometimes in some books it is denoted by epsilon r. This epsilon r is what? This epsilon r is called relative permittivity. So this dielectric constant is also called relative permittivity, that is denoted by K and epsilon r. Since we are saying constant is the value of force in any medium with respect to the vacuum, so the definition, the formula of this dielectric constant is what? K is equal to force between the charges in vacuum to the force between the charges in any medium. If you are placing the value of these two forces, force in air or vacuum, force in medium, vacuum bole air bole baat ek hi hai, this K comes is equal to 1/4πε0 q1 q2 upon r square, and denominator mein kitna aayega? Force between the charges in medium, from this formula we can write 1/4πε q1 q2 upon r square. बहुत सारी क्वांटिटीज इसके अंदर से कैंसिल हो जाएंगी, q1 q2 कैंसिल है, r square कैंसिल है, 1/4πε दोनों कैंसिल है. तो दिस एप्सिलॉन कम्स इन न्यूमरेटर एंड दिस वी कैन राइट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो दिस वैल्यू ऑफ k कम्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन epsilon naught, means dielectric constant is the value of permittivity in any medium with respect to the value of permittivity in vacuum. It means ye ek relative quantity hai, that's why it is called relative permittivity. Okay, the next definition we can say ki dielectric constant is the ratio of permittivity of medium to the permittivity in vacuum. Yani do definitions aapko mil chuki hai ki force between the charges in vacuum to the force between the charges in medium. अपन भी लिख सकते हैं, and the K is equal to what? K is equal to force upon epsilon upon epsilon naught. अगर आप इसको फोर्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वी कैन राइट दिस K इज इक्वल टू F air upon F any medium. तो ये आपको ध्यान रखना है. और कई बार इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं किस तरह से, इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट F इन मीडियम दैट इज इक्वल टू F in air upon dielectric constant K. इस पर बेसिक
इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि किसी भी मीडियम में आपसे फोर्स कैलकुलेट करवा सकते हैं इफ़ यू हैव गिवन द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम। किसके कंपेरिजन में? कि एयर के कंपेरिजन में, कि दो चार्जेस हैं एयर में, जब उन दो चार्जेस को रखा तो फोर्स कुछ लग रहा था, और आप अगर उस फोन चार्जेस को किसी मीडियम में प्लेस कर देते हैं तो अब फोर्स कितना लगेगा, उस बात की कैलकुलेशन आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट वी कैन से डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब अगर इनकी यूनिट और डायमेंशन की बात करें तो दोनों फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, फोर्स अपॉन फोर्स मीन्स डेफिनेटली न्यूटन अपॉन न्यूटन, ये कैंसिल आउट होंगे। और अगर यहाँ से भी देखें तब भी आप परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी, तो डेफिनेटली ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। तो दिस के इज वॉट, के इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस नंबर, डायमेंशनलेस नंबर, लेस नंबर का मतलब क्या हुआ? डेफिनेटली दिस इज अ मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट, इसकी कोई ना कोई एक मैथमेटिकल वैल्यू होगी, एंड दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम। मीन्स डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम। अगर आप एयर की बात करते हैं तो जो एयर है उसके लिए डायलेक्ट्रिक जो कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होगी। अगर हम इसके डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं तो डिस्टिल्ड वाटर के लिए जो के की वैल्यू है, दिस वैल्यू ऑफ के फॉर डिस्टिल्ड वाटर इज अप्रोक्स 80, अप्रोक्स है, अप्रोक्स 80। माइका के लिए अप्रोक्स 9 होती है, पेपर के लिए अप्रोक्स ये 3 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के लिए